चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम पुरुषार्थ अप्रतिम धैर्य 72 दिन तक, जहां रात को माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था, पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे, मोदी जी ये 1962 भूलना मत, हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे, तब इस देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और ये देश ऐसे पाप करने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। भारत की संसद में 12-15 साल से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जिसके परिवार के लोग पिता प्रधानमंत्री रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, नाना प्रधानमंत्री रहे हो, जन्म से जिनको राज परिवार में पलने बढ़ने का अवसर मिला हो, वो देश पे भरोसा न करे, सरकार पे भरोसा न करे, सेना पे भरोसा न करे, और चीन के राजदूत से मिलकर के पूछे कि डोकलाम में क्या चल रहा है। ये देश का अपमान है कि नहीं है? जरा आप मुझे बताइए, देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? भारत की चुनी हुई 125 करोड़ देशवासियों के चुनी हुई उन 125 करोड़ देशवासियों का अपमान है कि नहीं है?